2019 के आरटीई कानून जो पिछली सरकार ने संशोधन किया था उसे निरस्त करने की मांग को लेकर राज्य के 40,000 गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालकों प्रिंसिपल शिक्षक कर्मचारियों ने आज काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट किया। आन शिक्षा सचिव लगता है कि पिछली सरकार के एजेंडे के प्रभाव में काम कर रही। 3.5 वर्षों से हेमंत सोरेन की सरकार ने हमें मान्यता दी, संजीदा है सरकार। हम मांग करते हैं कि मानसून सत्र में इसको रखें। झारखंड में क्यों इस तरह के बार बार धमकी भरे पत्र दिए जा रहे हैं? इससे उहापोह की स्थिति है। निजी विद्यालय संचालकों में असंतोष के भाव पर हमने कभी भी 75 वर्षों में सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन कल्पना कीजिए अगर हमने दहलीज पार कर दी, हमारे शिक्षक कर्मचारी प्रिंसिपल डायरेक्टर अभिभावक बच्चों ने अगर सड़क का रुख कर लिया तो ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति होगी। अब सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, सबको मालूम है। हर कोई अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता, तो कहीं 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 उसका फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है शिक्षा सचिव के पास में? पूरे के पूरे राज्य में 40,000 से ज़्यादा विद्यालयों में काला बिल्ला लगाकर पठन और पाठन का कार्य कर रहे हैं। या काला बिल्ला प्रतीक है काले दिन का, और हमारे हृदय में जो चोट पहुंच रही है सरकार के कार्यशैली से, उसका प्रतीक है। क्योंकि हमारा विद्यालय जिस प्रकार से कार्य करता है, ये सभी लोग जानते हैं कि इस तरह का कार्य करना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि हमारे विद्यालयों में बच्चे जो पढ़ते हैं वो या तो बहुत गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं जो 300, 400, 500 रुपया भी देने की स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे विद्यालय उनको अपने विद्यालय में लेते हैं और उनको पढ़ाते हैं। जबकि राज्य सरकार के द्वारा 25% बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई है, जो भी एफिलिएटेड मान्यता प्राप्त स्कूल है उनको। हम तो यहाँ 50-60% से भी ज़्यादा बच्चों को इस प्रकार के शिक्षा दे रहे हैं जहाँ हम पैसों का कोई भी सोचते नहीं है। हम सोचते हैं कि हर एक बच्चा जिसको शिक्षा का अधिकार है उसको राज्य सरकार के द्वारा जो मिल रही है मिल रही है। हम जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, बौद्धिक रूप से समर्थ नागरिक हैं, हम अपने काम और नौकरी के लिए सरकार पर आश्रित नहीं है, बल्कि हम में से प्रत्येक संचालक और निर्देशक और प्राचार्य अपने अपने स्कूलों में कम से कम 25 से 50 लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ने झारखंड के गवर्नमेंट ने 2019 में इसका संशोधन करते हुए 1 एकड़ जमीन 75 डिसमिल जमीन शहर में, देहात में 1 एकड़ मांगे, तो इस आधार से कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्कूल जो सेवा कर रहे हैं उनको मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये माध्यम से जो पहले की बने हुए हैं 2009 के, उसी को गवर्नमेंट को लागू कर देना चाहिए, 2019 का निरस्त करना चाहिए। सरकार अगर इस तरह का काला कानून लागू कर देता है तो लाखों से ऊपर बच्चों के ऊपर शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा, जो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। कारण ये है कि जो बच्चे हम लोग के पास हैं वो बच्चे ना सरकारी स्कूल में जा सकते हैं ना बड़े स्कूल में जा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही स्कूल में रह सकते हैं। इस कैटेगरी के बच्चे मेरे पास हैं, इसलिए ये प्रभावित होंगे। बाकी और कोई दूसरा रीज़न नहीं है कि अगर हमारा स्कूल बंद हो जाता है तो बच्चे प्रभावित हो जाएंगे। प्रभावित सिर्फ और सिर्फ इसलिए होंगे कि ये बच्चे कहीं नहीं जा सकते, एफिलेटेड स्कूल में, बड़े स्कूल में जा नहीं सकते हैं, सरकारी स्कूल में जा नहीं सकते हैं। तो इसका टोटली यही सोच के चलिए कि ये शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। और आज के डेट में जो सरकार हम लोग पे निरीक्षण कर रही है, मैंने हम लोग पे निगरानी रख रही है, निगरानी सरकार को रखने की आवश्यकता नहीं है। आज के डेट में आपका स्टूडेंट और पेरेंट्स इतने एडवांस हो गए हैं कि खुद अपने मैंने निगरानी रखते हैं। वो पेरेंट्स आके देखते हैं कि हमारे बच्चे इस स्कूल में किस तरह से हैं, सेफ्टी हैं नहीं हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम लोग पेरेंट्स को किसी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं, क्लासरूम तक नहीं आने देते हैं, या क्लासरूम से रोक देते हैं, या क्लासरूम को हम पेरेंट्स के आने से पहले सजा देते हैं, तो बच्चे घर में जाकर कंप्लेन करते हैं कि मम्मी आज हमको स्कूल में 2 बेंच के ऊपर बैठाया, 2 बच्चों के साथ बैठाया। बच्चा अपना कंफर्ट जोन में खुद बैठना चाहता है, सरकार को इसमें निगरानी करने की दरकार नहीं है। पेरेंट्स और स्टूडेंट खुद निगरानी कर रहे हैं कि हम उनको क्या सुविधा दे रहे हैं। तो हमारे लिए कोई गाइडलाइन इस तरह से लंबा चौड़ा बनाने की सरकार की आवश्यकता नहीं है। हम लोग खुद अपने गाइडलाइन में चल रहे हैं और जिसमें कि पेरेंट्स और बच्चे सेटिस्फाइड है, सब कोई खुश है।